उल्लासनगर शहरवासियों के लिए महानगर पालिका द्वारा एक बार फिर अभय योजना लाकर बकाया संपत्ति कर के ब्याज में 100% छूट देने का आह्वान किया गया है। 26 फरवरी से 3 मार्च तक इस योजना का लाभ शहरवासी उठा सकते हैं। इस वर्ष का ये अंतिम अभय योजना है, अतः इसका मतलब लाभ जरूर उठाएं। मनपा आयुक्त अजीत शेख ने बताया कि इस योजना की 3 मार्च को समाप्ति के बाद बकाया संपत्ति कर वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, इसलिए समय पर अपना बकाया संपत्ति कर भरें और योजना का लाभ लें। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज सुखमनी अपार्टमेंट, रेखा अपार्टमेंट के पीछे झूलेलाल सोसाइटी, यहाँ पर श्री हमारे कुमार एलानी आमदार जी, उनके निधि से ये जो काम हो रहा है सीसी पैसेज और नाली ड्रेनेज का, तो पूरे वार्ड वालों ने यहाँ पर आके ये मुहूर्त किया है। यहाँ पर नाली सीसी पैसेज का काम चालू होएगा और सभी वार्ड वासियों को हमारी यही बेनती है, हमारे आमदार जी या हमारे पूरे जिला अध्यक्ष जमनू पुष्पानी, पैनल के साथी मीना कौर लबाना यहाँ की नगर सेविका है, इनके वार्ड में 99% काम हुआ है, पर अभी भी ये काम रहा था। हमारी बहन ने बहुत दिन से बोला था ये सुखमनी अपार्टमेंट के यहाँ पर ये काम करना है, तो हमारे आमदार जी ने ये निधि देके यहाँ पर काम करवाने के लिए आज मुहूर्त किया है। सर, रेखा अपार्टमेंट, सुखमनी अपार्टमेंट, झूलेलाल अपार्टमेंट, इनका जो पीछे का भाग है, अगर आप इस पोर्शन को हम देखें तो 2002 में यह पोर्शन इतना खराब था कि यहाँ पर कोई लोग नहीं रह सकते थे, बहुत बांस, बदबू और गंदगी फैली रहती थी। 2002 के बाद इस पोर्शन को हमने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया और यह बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब भी कुछ यहाँ के जो सीसी पैसेज, नालियां, ड्रेनेज टूटे हुए हैं, कई वर्षों से काम नहीं होने की वजह से आज आमदार निधि से, हमारे आमदार कुमार एलानी जी की निधि से यहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर उद्घाटन संपन्न हुआ, यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं, हमारे आमदार कुमार एलानी जी ने हमारी बहन मीना जी को बहुत जगहों पर फंड दिए हैं, अजीत लबाना जी को बहुत जगहों पर फंड दिए हैं, इसी प्रकार मेरे वार्ड में भी हमारे पूरे पैनल में कई फंड आमदार जी ने दिए हैं, जिनके उद्घाटन इन 4-5 दिनों में होंगे। करीब करीब आज ही 25 से 30 उद्घाटन हमने अलग अलग स्थानों पर सभी नगर सेवकों के वार्डों में रखे हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को, बल्कि 141 विधानसभा के अंदर कुमार एलानी जी ने हर एक नगर सेवक को, चाहे किसी भी पक्ष का हो, जो वहां पर शिकायत लेके आया, उनके काम उन्होंने किए हैं। और इस घड़ी में यह जो आचार संहिता लगने वाली है, लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लगने तक करीब करीब हम 300 से 400 उद्घाटन करने वाले हैं और ये कार्य बहुत जोर शोर से शुरू होंगे। विधानसभा के चुनाव तक, जो 141 विधानसभा का चुनाव होगा सितंबर या अक्टूबर में, मुझे नहीं लगता है कि हमारे वार्डों में कोई कार्य बैलेंस रहेगा, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे पैनल में बहुत सारी निधि दी है और बहुत जल्द यह जो यहाँ पर सरकारी शौचालय बना हुआ है MMRDA का, जिसकी मांग हमने की है तोड़ने की, तो यहाँ पर भी इसे तोड़ करके एक बहुत बड़ा सुंदर समाज मंदिर हम आपको देंगे, ताकि आसपास के जो लोग हैं, यहाँ पर कोई भी फंक्शन, कार्यक्रम, सत्संग, पूजा पाठ, आपस में बैठक, दुख सुख में एक साथ बैठ सके। मेरे पैनल के अंदर करीब करीब पिछले 10 वर्षों में मैंने 12 समाज मंदिर दिए हैं, हर गली में हमने एक समाज मंदिर दिया है, यह भर के रह गई है, हम बहुत जल्द यहाँ पर एक सुंदर समाज मंदिर देंगे और आमदार जी का इस समाज मंदिर में भी हम सहयोग लेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, आज अपन इथे माननीय कुमार एलानी साहेब, उल्हासनगरचे आमदार, पॅनल क्रमांक 1 मध्ये विकास कामाचे उद्घाटन करण्यासाठी इथे आलेले आहेत। आज त्यांच्या हस्ते आमचा हर्षवर्धन नगर, सम्राट हर्षवर्धन नगर च्या नाली गटरी सीसी, तसेच साई आशाराम, धीरज प्लाझा व मन्नू कॉम्प्लेक्स इथपर्यंत सिमेंट कॉन्क्रीट रोड हा पास केलेला आहे आणि त्यांनी त्यांच्या हाताने आज उद्घाटन केलेले। मी सदैव आमदारांची ऋणी राहील की त्यांनी जेव्हाही आम्हाला अडचण आली किंवा काही काम असलं तर आमदार आमच्या कामासाठी उभे राहतात आणि जनतेची सेवा करण्याला, जनतामध्ये जाण्यासाठी आम्हाला प्रोत्साहन करतात। मी धन्यवाद करते आणि माझ्या समस्त नागरिकांनी, ज्यांनी माझ्या काही कामासाठी, छोट्या छोट्या कामासाठी त्यांची काही गरज असली माझ्यापर्यंत येतात आणि त्यांच्या समस्या मी हल करण्याचा प्रयत्न करते। एवढं बोलून माझे दोन यहाँ पर आए और यहाँ पर जो रोड की स्थिति थी उसका जायजा लिया। बहुत दिनों से यह कार्य रुका पड़ा था,
और साहब ने और मैडम जी ने मिलकर इस कार्य को आगे किया और यहाँ की जनता ने उनका बहुत धन्यवाद किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और अपने साहब के नज़दीक होने के नाते इनका धन्यवाद करता हूँ। और लोगों की यहाँ पे मैडम साहब एक थोड़ी सी इच्छा है, यहाँ पे एरिया में कैमरा भी लग गया है, तो आप लोग उसके ऊपर भी थोड़ा सा कार्य कीजिए इस एरिया के लिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय में यह चाहता हूँ कि हमारा उल्लासनगर और ज़्यादा ऊँचाई पर जाए और आपके कर कमलों से और अच्छे अच्छे कार्य होते रहें। जय श्री राम, धन्यवाद नगर। आज आपण ह्या ठिकाणी गार्डनच्या उद्घाटनासाठी जमलेलो आहोत। आज आमचे आमदार श्री कुमार ऐलानीजी यांनी आमच्या वार्डासाठी आणि इथल्या रहिवाशांसाठी खूप चांगल्या प्रकारे कार्य करण्याचं उचित आज उद्घाटन केलेलं आहे। त्यानिमित्त मी आधी त्यांचे आभार मानेन की त्यांनी रहिवाशांसाठी खूप चांगला निर्णय घेतलेला आहे, कारण ह्या इथे आम्ही 5 वर्षापूर्वी पण काम केलेलं होतं, पण काही सामाजिक कार्यामुळे किंवा कारणांमुळे इथे अनेक दुर्घटना वगैरे असे उचित नसलेले प्रकार होत होते आणि त्याला आळा घालण्यासाठी आता ही जी सुधारणा होईल त्यामुळे लोकांना इथे जे आपले एजेड लोक आहेत किंवा रहिवासी आहेत त्यांना फिरण्यासाठी त्रास होत होता, मुलांना खेळण्यासाठी जागा नव्हती, ती चांगल्या प्रकारे आता इथे उपलब्ध होईल। त्यासाठी मी पुन्हा एकदा कुमारजींना धन्यवाद देईल की त्यांनी हे कार्य हाती घेतलेलं आहे। धन्यवाद सभी को। पहिले तो जय श्री राम। देखो ये हमारा भाग्य, मैं पहले भी कहा था कि मोदी है तो गारंटी है, वैसे हमारे शहर में कुमार है तो गारंटी है। काफ़ी दिनों से ये जो हमारे समाज के अंदर ये अच्छा एक वास्तु थी उसको दुर्लक्षित किया गया था फंड के अभाव पे। कुमार जी को ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने हमें तक नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इधर फंड पास करके लाया और लाने के बाद बोला प्रशांत भाई तेरे वार्ड में मैंने ये चीज़ करके रखी है। तो इतना बारीक लक्ष्य आमदार जी का हमारे सभी वार्डों में है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। और साथ ही मैं अपने वार्ड के लिए आमदार जी के माध्यम से ये एक नया गार्डन अपन पेश करने जा रहे हैं, जिस गार्डन में चारों ओर हरियाली रहेगी, चलने के लिए फुटपाथ रहेगा, शौचालय की अच्छी व्यवस्था रहेगी, पानी की अच्छी व्यवस्था रहेगी तथा बच्चों के लिए एक अच्छा उद्यान उपलब्ध कराया जाएगा, जो हमारे परिसर के लिए बहुत ज़रूरी था। काफ़ी दिनों से यहाँ पे असामाजिक तत्व आते थे, आज उस चीज़ का किधर न किधर रोकथाम होएगा। मैं मेरे सभी वार्डवासियों की ओर से कुमार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लेके उचित कार्य शुरू किया, उसके लिए वापस एक बार पुनश्च खूब खूब आभार। आप ऐसे ही काम करते रहो, हम पूरी जनता शहर की आपके साथ है। आज उल्हासनगर शहरामध्ये पूर्ण 1 ते 5 पर्यंत विविध ठिकाणी विकासाची कामं आदरणीय आमदार या शहराचे कर्तव्यदक्ष असे आमचे आमदार कुमारजी ऐलानी साहेब, त्याचबरोबर आमचे पूर्व उपजिल्हाध्यक्ष तसेच उपमहापौर सन्माननीय चमनूजी पुरस्वानी, या प्रभागातील 1 नंबर प्रभागातील नगरसेविका अर्चनाताई करंगाळे, ज्योती गायकवाड आणि सर्व पदाधिकारी आज या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 1 तानाजी नगर या परिसरामध्ये नाली व सीसी पायवाटा याची समस्या सन्माननीय आमदार कुमारजी ऐलानी साहेबांना वेळोवेळी आम्ही लेखी स्वरूपात दिली होती, त्याचं या ठिकाणी गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी आज या ठिकाणी आम्हाला त्यांचा आमदार निधी या परिसरासाठी पूर्ण 1 नंबर पॅनेलच्या परिसरासाठी विकास कामासाठी दिलेला असून या शहरामध्ये अनेक मोठे उपक्रम राबवले जातात। करोडो रुपयाचा निधी रस्त्यासाठी आलेला आहे, ड्रेनेजचं लाईनचं कामसुद्धा या ठिकाणी चालू आहे। मी या ठिकाणी आवर्जून सन्माननीय आमदार यांच्या वतीने आदरणीय आमचे खासदार श्रीकांत शिंदेसाहेब यांचं अभिनंदन करेल व त्यांचं या शहराच्या वतीने त्यांना हार्दिक त्यांना मी या ठिकाणी धन्यवाद देईल आणि आभार प्रकट करतो की त्यांनी जो पाठपुरावा केला सन्माननीय आमदारांच्या सोबत आणि आमचे आदरणीय आमदार एकनाथजी शिंदेसाहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडनं जेवढा निधी आणता आला या शहराच्या साठी न भूतो न भविष्यतम, आजपर्यंत कुठलाही निधी एवढा या शहरा उल्हासनगरसाठी मिळाला नव्हता, पण या आमच्या आमदारांनी सन्माननीय खासदारांनी या दोघांनी मिळून पाठपुरावा करून त्या ठिकाणी या ठिकाणी आपल्याला
निधी उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे मूलभूत अशी कामं तसेच लोकाभिमुख जी कामं असतात ती सगळी कामं माझ्या मते या 2 महिन्यात 1 महिन्यात संपुष्टात येतील, त्याबद्दल मी त्यांचा आपल्या सर्वांच्या वतीने आभार प्रकट करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। देखिए, उल्लासनगर में काफ़ी दिनों से हमारे विकास कार्यों का भूमि पूजन और कामकाज शुरू हो रहा है। आज उल्लासनगर में हमने जो जो एरिया में जो जो वार्ड में ज़रूरत है, जैसा कि अजीत सिंह लबाना, आज उनके वार्ड में हमने सीसी पैसेज और रोड का भूमि पूजन किया। उसके बाद में हमने सेंट्रल हॉस्पिटल में एक इंक्वायरी के लिए, जो भी सेंट्रल हॉस्पिटल इतनी बड़ी होने के कारण जिसको भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है या हॉस्पिटल में किसको ओपीडी में जाना है या आँखों का लिए, या इसके लिए एक इंक्वायरी कक्ष बना रहे हैं वहाँ पे, कि जिसको भी जो जानकारी चाहिए सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए, एम्बुलेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आज वहाँ पे भी एक शेड का भूमि पूजन किया गया। उसके अलावा हमने पप्पू गार्डन जो कहा जाता है कि जो प्रशांत पाटिल के वार्ड में है, वहाँ पे उस गार्डन में गार्डन को सुशोभीकरण करने के लिए 10 लाख रुपए की निधि दी। उसके बाद में हम अर्चना करण काले जी, हर्षवर्धन नगर और अन्य जगह पे, तानाजी नगर वहाँ पे भी सीसी रोड और सीसी पैसेज नाली का भूमि पूजन किया गया। अपना दिलीप गायकवाड़ जी, उनके पैनल में, उनके वहाँ पे भी काफ़ी जगह पे हमने आज भूमि पूजन करके सीसी पैसेज नाली का उद्घाटन किया गया। शहर में चारों तरफ विकास कार्य शुरू है। आज मेरे पास कम से कम 200 वर्क आर्डर पड़े हैं जो डेली में, कल हम 7 नंबर पैनल में एसबी सिंह के वार्ड में कम से कम 15 से 20 जगह पे भूमि पूजन करने वाले हैं, ऐसी हमारी शुरुआत है। और परसों हमारे आदरणीय जमनू पुरस्वानी जी, जिसके पैनल में कम से कम 17-18 या 20 तक वहाँ पे भी भूमि पूजन करेंगे, ऐसा हमारा सिलसिला डेली शुरू रहेगा। सभी जगह पे हम अपना विकास कार्य सभी पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी 141 में कार्य चालू रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।